दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से यहाँ पर नोटिफिकेशन देने वाला हूँ। तो ये एक टाइम टेबल है जो कि पिछले दिनों भी जारी हुआ था, तो उसमें से जो सब्जेक्ट बच गए थे उसका टाइम टेबल यहाँ पे जारी हुआ है। और पुराना जो टाइम टेबल आप लोग और देखना चाहते हैं बाकी सब्जेक्ट के बीई और बीटेक के, वो पहले ही आ चुका था और बाकी जो कोर्सेज बाकी थे उसका टाइम टेबल अभी आ गया है। तो देखिए ये जो टाइम टेबल है पीटी डिप्लोमा कोर्स थर्ड सेमेस्टर NITTTR स्कीम के तहत, यहाँ पर जो एग्ज़ाम है ये 21 मार्च को दो पेपर होंगे, 23 मार्च को एक पेपर होगा। टाइमिंग है सुबह के 10 बजे से लेके 1 बजे तक, ऑनलाइन मोड पर होगा। एक छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो अपने एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर ले रही है। बाकी सभी यूनिवर्सिटी, पंडित रविशंकर बोल लीजिए, दुर्ग यूनिवर्सिटी और बाकी के जितने भी यूनिवर्सिटी, सभी यहाँ पे एनुअल एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड पर ले रही है, लेकिन ये CSVT हुई ऑनलाइन मोड पर यहाँ पर ले रही है, बाकी सब ऑफलाइन मोड पर। तो इसका जो देख लीजिए 21 मार्च को होगा पीटी डिप्लोमा कोर्स थर्ड सेमेस्टर NITTTR स्कीम के तहत, टाइमिंग है सुबह के 10 से 1 बजे तक। तो 21 मार्च को दो पेपर, 23 मार्च को एक पेपर, 25 मार्च को दो पेपर होंगे और 28 मार्च को दो पेपर होंगे। उसके बाद यहाँ पर पीटी डिप्लोमा कोर्स फोर्थ सेमेस्टर NITTTR स्कीम के तहत 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग है 10 बजे से 1 बजे तक ऑनलाइन मोड पर। 22 मार्च को चार पेपर होंगे, 24 मार्च को तीन पेपर है और 26 मार्च को चार पेपर है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पूरा टाइम टेबल आप देख सकते हैं। और 29 मार्च को यहां पर जो है चार पेपर होंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे ऑनलाइन मोड पर है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और उसके बाद पीटी डिप्लोमा कोर्स फोर्थ सेमेस्टर का भी 15 मार्च से स्टार्ट होगा और ये 15 मार्च के दिन चार पेपर होगा, 16 मार्च को एक पेपर होगा, उसके बाद 21 मार्च को चार पेपर है और 23 मार्च को तीन पेपर है, 25 मार्च को दो और 28 मार्च को दो पेपर है। टाइमिंग वही है 10 से 1 बजे। उसके बाद पीटी डिप्लोमा कोर्स फिफ्थ सेमेस्टर का देखते हैं तो 16 मार्च से स्टार्ट होगा, टाइमिंग है 10 बजे से 1 बजे और पहले दिन 16 मार्च को तीन पेपर, 22 को चार, 23 को एक, 24 को तीन, 25 को दो और 28 को दो और 29 मार्च को दो पेपर यहाँ पर होंगे। उसके बाद पीटी डिप्लोमा कोर्स का ही सिक्स सेमेस्टर का देखते हैं तो 24 मार्च से स्टार्ट होगा, पहले दिन 24 मार्च को एक पेपर, 26 मार्च को तीन और 29 मार्च को यहाँ पर तीन पेपर होंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप ये सब्जेक्ट पूरे देख सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पर देखते हैं NITTTR स्कीम के तहत तो 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, पहले दिन ही 14 विषयों के यहाँ पर पेपर होंगे। सुबह के जो आर्किटेक्चर डिजाइन रेजिडेंशियल है ये 6 घंटे का है, सुबह 10 से बजे से लेके 1 बजे तक और उसके बाद आधा घंटा का कुछ ब्रेक रहेगा, फिर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक, ये 6 घंटे का रहेगा। और उसके साथ साथ इंटीरियर डिजाइन रेजिडेंशियल ये भी 6 घंटे का पेपर रहेगा, बाकी यहाँ पे 3-3 घंटे का पेपर है। उसके बाद 21 मार्च को यहाँ पर 14 विषयों के पेपर होंगे जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 1 4 घंटे का रहेगा, 10 बजे से 2 बजे तक, और बाकी सब यहाँ पर 3 घंटे का, और एक और है इंटीरियर कंस्ट्रक्शन पार्ट 1 ये भी 4 घंटे का रहेगा। उसके बाद 23 मार्च को यहाँ पर देखते हैं तो 12 विषयों के पेपर होंगे जिसमें से सभी 3-3 घंटे के रहेंगे, सुबह 10 बजे से 1 बजे। 25 मार्च को 8 विषयों के यहाँ पर पेपर होंगे 3-3 घंटे का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर NITTTR स्कीम के तहत तो पहले दिन यहाँ पर 25 मार्च को देखिए वही है, आगे कंटिन्यू किया गया है, 25 मार्च को 15 विषयों के यहाँ पर पेपर होंगे, 28 मार्च को 15 विषय के होंगे, सभी 3 घंटे का होगा, लेकिन फंडामेंटल स्टेनोग्राफी फर्स्ट हिंदी लैब का यहाँ पर 1 घंटे का पेपर होगा और फंडामेंटल स्टेनोग्राफी फर्स्ट इंग्लिश लैब का यहाँ पर 1 घंटे का रहेगा। और उसके बाद 30 मार्च को एक ही पेपर होगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर का ही देखते हैं, तो 15 मार्च को 16 विषयों के पेपर होंगे, और आगे और बढ़ते हैं तो 21 मार्च को भी 16 विषय का पेपर होगा, और 23 मार्च को 12 विषयों के पेपर होंगे। टाइमिंग वही है, सब सेम है, 10 बजे से 1 बजे तक, और कोई कोई पेपर यहाँ पर 4 घंटे का है, और कुछ कुछ यहाँ पर बाकी सभी 3 घंटे का है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का ही देखते हैं, तो 25 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, पहले दिन 12 पेपर, 28 मार्च को भी 12 विषयों के पेपर होंगे, और 30 मार्च को एक ही विषय होगा, और 1 अप्रैल को भी यहाँ पर 2 विषयों के पेपर होंगे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर NITTTR स्कीम के तहत ही 16 मार्च को 14 विषयों के पेपर होंगे, 22 मार्च को 14 विषयों का, और 24 मार्च को भी 15 विषयों का पेपर होगा, 3-3 घंटे का पेपर, सुबह के 10 बजे से 1 बजे। 26 मार्च को यहाँ पर देखते हैं तो 15 विषयों के पेपर होंगे, 29 मार्च को 12 विषय, और 31 मार्च को यहाँ पर 1 विषय का पेपर होगा। MBA का टाइम टेबल यहाँ पर आ चुका है, तो MBA थर्ड सेमेस्टर न्यू स्कीम के तहत यहाँ पर देखते हैं तो 15 मार्च से स्टार्ट होंगे, और 15 मार्च को यहाँ पर एक ही विषय होगा, 16 मार्च को एक विषय का पेपर है, 21 मार्च को एक विषय है, 22 को भी एक ही विषय, 23 को भी यहाँ पर 3 विषयों के पेपर होंगे, फिर 24 को 3 विषय के पेपर होंगे, 25 को 3 विषय है, 26 को 3 विषय के पेपर है, फिर 28 को यहाँ पर 3 विषयों के पेपर है, 29 को भी 3 विषयों के पेपर है, और 30 मार्च को 3 विषय, 31 मार्च को भी 3 विषय है, 1 अप्रैल को 3 विषय है, फिर 2 अप्रैल को यहाँ पर 3 विषयों के पेपर है, ये भी 3 घंटे का है, और सुबह 10 बजे से 1 बजे इसका भी टाइमिंग है। आगे बढ़ते हैं, MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा न्यू स्कीम के तहत, 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पहले दिन 5 विषयों के पेपर होंगे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और फोर्थ सेमेस्टर न्यू स्कीम के तहत यहाँ पर और देखते हैं तो 16 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, एक एक पेपर होंगे एक एक दिन, MCA का भी एक एक पेपर होगा, 15 को, 21 को, 23, 25 और 28 को, और MCA फोर्थ सेमेस्टर का 16 से स्टार्ट हो रहा है, 16 तारीख, 22 तारीख, 24, 26 और 29 तारीख तक, यहाँ पर 29 तारीख को बहुत सारे पेपर होंगे। और आगे बढ़ते हैं तो MCA थर्ड सेमेस्टर AICTE स्कीम के तहत 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 28 मार्च तक यहाँ पे चलेगा, उसके बाद बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर न्यू स्कीम के तहत देखते हैं तो 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और ये आगे चलने वाला है 29 मार्च तक। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर वालों का 16 मार्च से स्टार्ट होके यहाँ पर 31 मार्च तक चलने वाला है। डी फार्मेसी सेकंड ईयर का 15 मार्च से 30 मार्च तक, और एम फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर का यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये होने वाला है 16 मार्च से, 16 मार्च से आगे कहाँ तक हो रहा है, एम फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर का यहाँ पर 26 मार्च तक यहाँ पर होगा, ठीक है, पूरे ऑनलाइन मोड पर होने वाला है। बी आर्किटेक्चर का यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का टाइम टेबल आया है, उसके हिसाब से 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 28 मार्च को ख़त्म होगा, और बी आर्किटेक्चर के फोर्थ सेमेस्टर 16 मार्च से 29 मार्च तक यहाँ पर ये पेपर होगा। तो ये पूरा टाइम टेबल है छत्तीसगढ़ स्वामी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, जो कि ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम होंगे। इसका टाइम टेबल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देखिए। और कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ अगले दिन एक नए वीडियो में।